Okay, good morning everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. So exam kaisa raha tha aap log ka? सर उतना अच्छा नहीं गया था सर, क्लासेस बस छोटा था ना पहले का। ठीक ही गया था सर, बट सर क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा टाइप में था, जिस तरह आप बताए थे उस तरह तैयारी करके गए थे, लेकिन उसमें समझ नहीं आ रहा था बहुत कुछ। क्वेश्चन घुमा घुमा तो कुछ नहीं था। अच्छा, हम लोग एक क्लास क्वेश्चन से भी रिलेटेड डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेपर पावर साइकिल। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सिंपल था सर, बट समझ नहीं पाए क्वेश्चन, मतलब कैसे सॉल्व करना है वो। बाकी फॉर्मूला ये सब तो आप जिस तरह क्वेश्चन कर रहा है तो वो का प्रैक्टिस किए थे हमने। हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि हम लोग स्टीम टेबल देखना, ठीक है? जो क्वेश्चन में था वो था स्टीम टेबल का एप्लीकेशन। सर स्टीम टेबल का तो ठीक था, उसमें मास और इंटरनल एनर्जी कहाँ से निकलते हैं? मास और इंटरनल एनर्जी। यस सर। इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं? एक प्रॉब्लम इससे डिस्कस किए थे, H इक्वल टू U प्लस PV, याद है? H इक्वल टू U प्लस PV, ये आप लोग क्लास में कर रहे हैं। इंटरनल एनर्जी ये फाइंड करना था, स्पेसिफिक एंथैल्पी ये एट डिफरेंट कांस्टेंट प्रेशर पे आपको देखना होगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम गिवन कंडीशन क्या है वहां पे आप इस स्पेसिफिक वैल्यू का देखते हैं, ठीक है? प्रेशर आपका दिया हुआ रहता है और इस प्रेशर पे स्पेसिफिक वॉल्यूम देखते हैं, तो इंटरनल एनर्जी मिल जाता है आपको। इस टाइप का प्रॉब्लम एक क्लास में हम डिस्कस किए थे, पता नहीं। अच्छा चलो, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, वेपर पावर साइकिल। So, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई थर्मोडायनेमिक साइकिल्स आर सो इम्पोर्टेंट, ठीक है? थर्मोडायनेमिक साइकिल का क्यों इम्पोर्टेंट है, कोई बता सकते हो? व्हाई थर्मोडायनेमिक साइकिल्स आर इम्पोर्टेंट, एनीवन? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सेकेंड लॉ में क्या हम लोग डिस्कस किए थे? सेकेंड लॉ में क्या डिस्कस किया? लाप्लास स्टेटमेंट के बारे में, और केल्विन प्लैंक। ओके, सो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, सपोज देयर इज ए हीट इंजन एंड इट टेक्स हीट फ्रॉम हायर टेंपरेचर रिजर्वायर T1, ठीक है? देन ये क्या करेगा, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करेगा एंड रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ पे? सिंक हो। ओके, कहने का मतलब है अगर हम लोग को कंटिन्यूसली वर्क में पावर डेवलप करना है, कंटिन्यूसली हीट इंजन से पावर लेना है, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक साइकिल का जरूरत पड़ेगा, ठीक है? वी हैव सीन इन सेकेंड लॉ क्या दे, हम लोग देखें, हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क इन ए साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है? साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग क्या देखे थे सेकेंड लॉ में, हीट को हम लोग कंप्लीटली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इन्हें पार्टिकुलर प्रोसेस में हम लोग कर सकते हैं, बट इन्हें साइक्लिक प्रोसेस हम लोग कंप्लीटली हीट को वर्क में कन्वर्ट
नहीं कर सकते हैं. सो देयर फॉर फॉर कंटिन्यूअस कन्वर्सन ऑफ वर्क इंटू हीट वी रिक्वायर ए साइकिल. ठीक है, अगर हम लोग को कंटिन्यूअसली कन्वर्सन ऑफ हीट इंटू वर्क चाहिए, फिर हम लोग उसके लिए क्या चाहिए, साइकिल. नाउ अब थर्मोडायनामिक में साइकिल भी दो तरह को होता है. सो सबसे पहले ठीक है, थर्मोडायनामिक साइकिल को हम लोग टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. पहला है हीट इंजन साइकिल. And second one is the refrigeration or heat pump cycle. Okay, so heat engine cycle में क्या होता है? So heat engine cycle में क्या होता है? Anyone? सर इसमें हीट डायरेक्टली कन्वर्ट होता है. सर इसमें हीट डायरेक्टली हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बॉडी में मूव करता है. ओके, तो ध्यान दोगे. ठीक है, जो हीट, जैसा कि बोला, थर्मोडायनेमिक साइकिल को हम लोग टू पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं. पहला को नाम दिया हम लोग हीट इंजन साइकिल एंड सेकेंड को नाम दिए क्या, रेफ्रिजरेशन और हीट पंप साइकिल. सो हीट इंजन साइकिल में क्या, बेसिकली इट डेवलप मैकेनिकल वर्क और पावर. ठीक है, हीट इंजन साइकिल से हम लोग क्या डेवलप कर रहे हैं, वर्क दैट इज पावर. सो इट डेवलप मैकेनिकल वर्क और power, that's why it is called power cycle. Clear है ये बात? Clear है या नहीं? Sir, repeat करिएगा एक बार. Okay, so सबसे पहले हम लोग देखिए कि thermodynamics power मतलब cycle का क्या importance है. So for continuous conversion of heat into work, we require a thermodynamic cycle. Now, thermodynamic cycle is again categorized in two way. पहला को नाम दिया हम लोग heat engine cycle and second को बोल रहे refrigeration और heat pump cycle. So, heat engine cycle से हम लोग क्या मिलता है? Heat engine cycle से हम लोग को continuously power develop होता है. ठीक है, जैसे कि ये heat engine है, इससे हम लोग को क्या मिलता है? Continuously power develop. That's why it is called power cycle. रेफ्रिजरेशन और हीट पंप साइकिल में हम लोग को क्या होता है, वी कूल इट एट ए पार्टिकुलर स्पेस और रीजन एंड इन दैट प्रोसेस वी हैव टू रिक्वायर सब वर्क इनपुट फ्रॉम आउटसाइड. सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर साइकिल. क्लियर है? पावर साइकिल क्यों बोलते हैं हीट इंजन को? यस सर. क्यों बोलते हैं पावर साइकिल? इसमें आउटपुट में पावर मिलता है. आउटपुट में पावर मिलता है. नाउ अब इस पावर साइकिल को अगेन हम लोग टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, कौन से टू पार्ट्स में? देखो, सो पावर साइकिल. ठीक है सर, ये सबको नोट्स गूगल क्लासरूम भेजेंगे क्या? गूगल क्लासरूम में ओनली मैं नोट्स भेजूंगा, थ्योरी का, ये सब इंट्रोडक्शन या प्रैक्टिकल, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो सब का नहीं. नहीं सर, ये जो पढ़ा रहे हैं ये. हाँ, गूगल क्लासरूम में भेज दूंगा इसे. ओके सर. सो अगेन पावर साइकिल कैन बी कैटेगराइज इन टू वे. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ द वर्किंग मीडियम और स्टेट ऑफ द वर्किंग फ्लूड. ठीक है, सो पहला जिसको हम लोग नाम देंगे क्या है, वेपर पावर साइकिल. वेपर पावर साइकिल में क्या होता है?
सर वर्किंग फ्लूड वेपर रहता है। वर्किंग फ्लूड का स्टेट चेंजेस होता है फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एंड वेपर टू लिक्विड, ठीक है। एंड अदर एक जिसको बोलते हैं गैस पावर साइकिल। सर गैस रहता है, फ्यूल रहता है, ठीक है। गैस पावर साइकिल में वर्किंग मीडियम क्या होता है? फ्यूल वेपर फॉर्म। फ्यूल कहने का मतलब ओनली यहाँ पे जो स्टेट हो रहा था वो ओनली गैस रहता है। जैसे कुछ एग्जांपल बता सकते हैं दोनों का, वेपर पावर साइकिल एंड गैस पावर साइकिल का? वन बाय वन वेपर पावर साइकिल के एग्जांपल्स। वेपर पावर साइकिल में वाटर, इसका एग्जांपल वेपर पावर साइकिल का जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वेपर पावर साइकिल, सो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रैंकिन साइकिल, ठीक है। वेपर पावर साइकिल का कौन सा रैंकिन साइकिल, रैंकिन साइकिल। गैस पावर साइकिल के एग्जांपल्स डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल। डीजल साइकिल, ऑटो साइकिल एंड ब्रेटन साइकिल, ठीक है। सो ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये आगे हम लोग गैस, अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वेपर पावर साइकिल। सो सबसे पहले कहाँ कहाँ से समझ में आया इंट्रोडक्शन? सबसे फर्स्ट व्हाई थर्मोडायनेमिक साइकिल्स आर सो इम्पोर्टेंट, सो आंसर है फोर कंट्री। इन सेकेंड लोएस्ट इन थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या स्टडी किए कि हीट कैन नॉट बी कम्प्लीटली कन्वर्टेड इन टू वर्क इन ए साइक्लिक प्रोसेस, सो फॉर कम्प्लीट कन्वर्सन ऑफ हीट इन टू वर्क वी रिक्वायर ए थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल इज कैटेगराइज इन टू वे, फर्स्ट हीट इंजन साइकिल दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर साइकिल। वाई इट इज कॉल्ड पावर साइकिल? बिकॉज इट डेवलप मैकेनिकल वर्क और पावर। एंड अदर इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन और हीट पम्प साइकिल। नाउ पावर साइकिल अगेन कैटेगराइज इन टू वे, वन फर्स्ट वन इज कॉल्ड वेपर। कैटेगराइज का यहाँ पे तरीका क्या है? According to the state of the working medium or working fluid. So, depending on the state of the working fluid or working medium, the power cycle can be categorized in two way. First one is the vapor power cycle and second one is the gas power cycle. Now, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना चैप्टर में रैंकिन साइकिल। एनीवन रैंकिन साइकिल पता है कि नहीं को क्या होता है? एनीवन रैंकिन साइकिल? नहीं पता। सो व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट? क्या बोले सर? डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम पावर प्लांट। सर बॉयलर, सर टरबाइन, कंडेंसर एंड पंप, ठीक है। सो ये मैं बेसिक कंपोनेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, इस डायग्राम को ध्यान में रखिए। अब देखो फर्स्ट जो हम लोग चैप्टर डिस्कस किए हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, उस चैप्टर के यहाँ पे कम्प्लीटली एप्लीकेशन है, इसलिए ध्यान में देखने की कोशिश करोगे कि कहाँ पे स्टीम है कहाँ पे लिक्विड है। सर ये बी क्या लिखे हैं? बता रहा हूँ मैं,
पहले मेरे स्केच ड्रॉ करने दो, देन वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, बी फॉर बॉयलर है, ध्यान दोगे? बी फॉर बॉयलर, टी फॉर टर्बाइन, सी फॉर कंडेंसर एंड पी फॉर पंप। ठीक है, सो वन टू टू सेक्शन में क्या प्लेस है? टर्बाइन। टू टू थ्री सेक्शन में क्या प्लेस है? कंडेंसर। थ्री टू फोर सेक्शन में क्या है? पंप। एंड फोर टू वन सेक्शन में क्या है? बॉयलर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, सो अब ये वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? बेसिक, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म, नॉट ए कंप्लीट। सो बेसिक क्या है कि हम लोग क्या क्या फर्नेस से हम लोग सबसे पहले इस बॉयलर में हीट सप्लाई देते हैं। ओके, बॉयलर दैट मीन्स आप लोग पढ़ रहे हो थर्मोडायनेमिक्स लैब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर। ठीक है, सो बॉयलर में सबसे हम लोग क्या करते हैं? हीट सप्लाई देते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बॉयलर? बॉयलर का फंक्शन क्या है सर? वाटर को वेपर में कन्वर्ट करना। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। सो जैसे हम लोग यहाँ पे हीट सप्लाई देते हैं, देख रहे हो यहाँ पे Q1। सो बॉयलर का फंक्शन क्या है? वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। सो स्टीम फाइनली इस पाइपलाइन के थ्रू है। यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, सो कहने का मतलब है यहाँ पे जो स्टीम जो इस टर्बाइन ब्लेड पे फॉल होता है वो जनरली क्या होता है? सुपर हीटेड कंडीशन में होता है। ओके, सो अगर यहाँ पे वन कंडीशन है, तो अगर वन कंडीशन पे अगर आप H1 के वैल्यू निकालना होगा, तो यहाँ पे आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर दिया हो रहेगा कि स्टीम इस टर्बाइन ब्लेड पे फॉल हो रहा है एट दैट प्रेशर एंड टेम्परेचर। देन आप क्या करोगे? स्टीम टेबल मूव करोगे, वहाँ पे इस टेम्परेचर एंड प्रेशर पे स्टीम का कंडेंसर सिचुएशन देखोगे, देन वहाँ से आपको क्या मिलेगा? H1। ओके, सो स्टीम यहाँ पे क्या होता है? हाई प्रेशर एंड टर्बाइन इस टर्बाइन के ब्लेड पे फॉल होता है। देन ये टर्बाइन ब्लेड जनरेटर के शाफ्ट से कनेक्ट होता है, जो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स दिस रीजन जो क्या है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट है, वो हमारा रीजन स्टडी रीजन यहाँ पे नहीं है। देन आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ, कहने का मतलब है आफ्टर फॉलिंग ऑफ स्टीम, स्टीम पासिस थ्रू दिस कंडेंसर। नाउ कंडेंसर का फंक्शन क्या है? What is the function of condenser? स्टीम को कूल डाउन करके वापस लिक्विड फॉर्म में लाना। लिक्विड फॉर्म में लाना, ठीक है। अभी चलो यहाँ तक रीजन ठीक है, लेकिन मैं ये भी पूछूंगा कि कंडेंसर का यूज हम लोग क्यों करते हैं? अगर हम लोग कंडेंसर यूज नहीं करते तो क्या मेरा साइकिल या कंप्लीट नहीं? अगर मेरे को वाटर में कन्वर्ट करना है, ओके, सो वाटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली क्यों इस वाटर को भेज रहा हूँ? मैं डायरेक्टली फिर बाहर से क्यों नहीं वाटर ले सकता हूँ? सो फाइनली हम लोग क्या करते हैं? फिर से इस कंडेंसर, सो कंडेंसर में क्या होता है? यहाँ पे देखो ये कूलिंग वाटर हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। ओके, इधर से क्या जा रहा है? कूलिंग वाटर, और इधर से क्या आ रहा है? हॉट स्टीम। सो फाइनली यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स ट्रांसफर ऑफ लेटेंट हीट। स्टीम क्या करेगा? इस कोल्ड लिक्विड को अपना लेटेंट हीट दे देगा और फाइनली वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, और इस लिक्विड को हम लोग इस पंप के थ्रू अगेन इस बॉयलर में सर्कुलेट कर देते हैं। अगेन ये वाटर फिर से यहाँ पे हीट होता है, अगेन स्टीम जनरेट होता है, अगेन दिस फॉल्स ऑन दिस टर्बाइन ब्लेड, अगेन दिस कम्स इन कंडेंसर, एंड देन अगेन पंप, एंड अगेन बॉयलर। इस वे से हम लोग को कंटिन्यूसली यहाँ पे पावर जनरेट होता रहता है। ठीक है, सो ये बेसिक वर्किंग मैकेनिज्म है स्टीम पावर प्लांट का। यहाँ तक इनको कोई डाउट है? एनीवन, यहाँ तक इनको कोई डाउट है? सर कंडेंसर का मेन काम उसको ठंडा करने के लिए बस।
हाँ, कंडेंसर का मेन काम हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, जब कार्नोट साइकिल और स्टीम पावर प्लांट में, ये रैंकिन साइकिल और कार्नोट साइकिल में डिफरेंस पढ़ेंगे, तब बताएंगे कि कार्नोट सॉरी कंडेंसर का यूज एक्चुअली हम लोग करते करते क्यों है। ठीक है, कंडेंसर के यूज नहीं करने पे भी हम लोग यूज ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कंडेंसर का यूज करते कि बेसिकली क्यों है, इससे एडवांटेज क्या है हमको यहाँ। सो बेसिकली यहाँ पे कंडेंसर का यूज हम लोग कूल करने के लिए, स्टीम यहाँ से कूल्स करते हैं। ठीक है, क्या होता है कंडेंसर में, क्या होता है, दिस इज वन टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, हॉट स्टीम क्या करता है, कोल्ड लिक्विड को अपना लैटेंट हीट दे देता है एंड इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जिसको हम लोग बॉयलर में सर्कुलेट कर देते हैं। सो नेट वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, नेट वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन क्या होगा, एनीवन, रघुवंश, यस सर, नेटवर्क क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस सिमेट्रिक डायग्राम, कुणाल कुमार? यस, नेटवर्क डन क्या होगा, कौन कौन सा वर्क एसोसिएटेड है इस सिमेट्रिकल डायग्राम के साथ, वर्क डन बाय टरबाइन और वर्क डन बाय पंप। ओके, तो नेट वर्क डन क्या होगा, टरबाइन माइनस पंप कर देंगे, वर्क डन बाय टरबाइन माइनस वर्क डन बाय पंप, पंप, तो ये मेरा नेट वर्क डन होगा। ओके, एंड नेट हीट सप्लाई सर Q1 माइनस Q2। ओके, इफिशियंसी ऑफ साइकिल क्या हम लोग को स्टडी किए हैं, इफिशियंसी ऑफ साइकिल वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाइड, वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाइड, दैट मीन नेट वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। नेट वर्क डन क्या है, डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी बाय क्यू वन, और डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी को क्यू वन माइनस क्यू टू लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बॉयलर में सर जो हीट सप्लाई हो रहा है वही जा रहा है टर्बाइन। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन ए साइक्लिक प्रोसेस क्या हम लोग स्टडी किए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हाँ बोलो, नेट हीट सप्लाई इक्वल्स टू नेट वर्क डन। ओके, सो क्यू नेट इन ए साइक्लिक प्रोसेस इक्वल टू नेट वर्क, दैट मीन्स कहने का मतलब है डब्ल्यू नेट इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, क्यू नेट। ठीक है, यानी डब्ल्यू टी माइनस डब्ल्यू पी डिवाइडेड बाई क्यू वन इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इफिशियंसी ऑफ साइकिल इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू डिवाइडेड बाई
Q1 और efficiency of cycle equal to 1 minus Q2 by Q1. तो ये हम लोग स्टडी किए हैं. ठीक है, ये कोई डाउट है यहां तक? किन्हीं को कोई डाउट है? सो एफिशिएंसी ऑफ रैंकन साइकिल क्या हुआ? सॉरी, एफिशिएंसी ऑफ साइकिल Q1 minus Q2 by Q2. So, यहां तक हम लोग पढ़े हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में. अब आता है रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी हम लोग कैसे कैलकुलेट करें. एनीवन, किन्हीं को पता है रैंकिन साइकिल? चलो बताओ, थोड़ा सा हिंट दो रैंकिन साइकिल, तभी हमको लगेगा किन्हीं को आता है. जान रैंकिन साइकिल क्या है? विकेश कुमार, यस सर. क्या है रैंकिन साइकिल के नाम सुने हो कभी? यस सर. कुछ बता सकते हो रैंकिन साइकिल के बारे में? सर, इसमें जैसे कि हम पहले पढ़ रहे थे सर, जो साइकिल बनता था तो 1 से 2, 2 से 3 जाता था, आइसोबैरिक हीट ट्रांसफर होता था सर इसमें. ओके, एनी अदर डिप्लोमा होल्डर तरफ से? डिप्लोमा होल्डर तो रैंकिन साइकिल पढ़े हो गए. एनीवन? नफीसा सिमरन, यस सर. रैंकिन साइकिल के बारे में कुछ पता है आपको? सर, इसमें पहले फर्स्ट 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, उसके बाद ओके. चलो ठीक है, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहला कि स्टीम पावर प्लांट जो वर्क होता है वो किस साइकिल पे ऑपरेट होता है? रैंकिन साइकिल. रैंकिन साइकिल कहाँ से कहीं पढ़े हो या ना कहीं से या कहाँ से ये जाने? आप ही बताएं. हम ही बताएं. चलो बढ़िया है. तो अब मेरा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन आने वाला है कि क्यों रैंकिन साइकिल पे ही बेस्ट होता है, कार्नोट साइकिल पे क्यों बेस्ट नहीं होता? ओके, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चलो, जैसे कि मैंने लिखा था कंपोनेंट्स ऑफ बेसिक स्टीम पावर प्लांट. सो स्टीम पावर प्लांट का जो वर्किंग साइकिल है वो क्या है? रैंकिन साइकिल है. ठीक है, ये आपको याद रखना है, एकदम दिमाग में छपा होना चाहिए. ये कहीं भी इंटरव्यू या कहीं भी देने जाओगे आपसे पूछा जाएगा कि स्टीम पावर प्लांट जो वर्क होता है उसका बेसिक ऑपरेशन साइकिल क्या है. ठीक है, आपके सामने कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारा साइकिल का नाम लेगा, जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल,
या फिर कार्नोट साइकिल, लेकिन आपको याद रखना वो किस पे बेस्ट होता है, वो रैंकन साइकिल पे बेस्ट होता है। रैंकन साइकिल का आप चार प्रोसेस है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे ईच प्रोसेस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1। सो अगर ईच प्रोसेस एक पार्टिकुलर प्रोसेस में ऑपरेट होता है, ठीक है, देन हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रैंकन साइकिल। सर पार्टिकुलर प्रोसेस का, रैंकन साइकिल का प्रोसेस क्या है, सबसे प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2, 1 to 2 में क्या हो रहा है, वन टू टू में होता है क्या है बेसिकली, क्या होता है 1 to 2 में, सर टर्बाइन के थ्रू वर्क होता है, सर टर्बाइन के थ्रू वर्क होता है, ओके, दैट मीन स्टीम जो है यहाँ पे सुपर हीटेड कंडीशन पे स्टीम जो आता है यहाँ पे क्या होता है, टर्बाइन ब्लेड पे फॉल होता है, दैट मीन्स स्टीम का क्या होता है यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, ओके, सो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन इन द टर्बाइन, सो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन इन द टर्बाइन। एडियाबेटिक क्यों बोलते हैं, बिकॉज देयर विल नो एनी हीट लॉसेस थ्रू द टर्बाइन, ठीक है, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक कहने का मतलब है इट विल बी एन आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस 2 to 3 में क्या होगा, प्रोसेस 2 to 3 सर कांस्टेंट प्रेशर ट्रांसफर टू हीट, हीट रिजेक्शन, ओके, अब देखोगे, देखो अगर प्रोसेस को आप अगर अच्छा से नहीं समझोगे तो पीबीएन टीएस प्लॉट आगे ड्रॉ करना मुश्किल होगा, इसीलिए प्रोसेस को अच्छा समझो और इसी प्रोसेस पे हम लोग प्रेशर पीपी जो भी टीएस प्लॉट पीवी प्लॉट ड्रॉ करेंगे आगे। सो प्रोसेस 2 to 3 क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, रिवर्सिबल कांस्टेंट हीट रिजेक्शन, नेक्स्ट 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबेटिक पंपिंग प्रोसेस, वेरी गुड, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, नॉट पंपिंग, कंप्रेशन, ओके, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ फ्लूड एंडिंग एट द इनिशियल प्रेशर, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ फ्लूड, एंड प्रोसेस 4 to 1 प्रोसेस 4 to 1 एनीवन, सर हीट एडिशन, ओके, हीट एडिशन एट व्हाट प्रोसेस, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे सर ट्रांसफर ऑफ हीट इन द बॉयलर, ओके, सर रिवर्सिबल कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, रिवर्सिबल कॉन्स्टेंट प्रेशर
हीट एडिशन, ठीक है। सो ये चार प्रोसेस आपको दिमाग में एकदम छपा होना चाहिए कार्नोट साइकिल। प्रोसेस 3-4 क्या बताएंगे सर? प्रोसेस 3-4 में हम लोग क्या कहें, यहाँ पे डायग्राम में देखो, अगर प्रोसेस का याद करने का सिंपल सा तरीका है, आप डायग्राम में जाओ, 3-4 में क्या प्लेस है यहाँ पे? पंप कर रहा है, पंप कर रहा है, तो पंप से हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली कंप्रेशन होगा, तो लिक्विड, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, एट द इनिशियल प्रेशर पे हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड को कंप्रेस करेंगे अगेन टू द रीच टू इनिशियल प्रेशर, ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन ऑफ फ्लूइड। सो कार्नोट साइकिल में याद रखना, दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है एंड दो रिवर्सिबल एडियाबेटिक, दो रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, याद रहेगा? तो इसमें सारा प्रोसेस रिवर्सिबल ही होता है? हाँ, सारा प्रोसेस रिवर्सिबल है, सारा प्रोसेस में रिवर्सिबल में चार प्रोसेस रिवर्सिबल में, टू रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर एंड टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ठीक है। अब हम लोग ड्रॉ करेंगे पीबी एंड टीएस प्लॉट इस कार्नोट साइकिल का। अब यहीं पे आता है डायग्राम को समझने में, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, 2 मिनट का टाइम बचा हुआ। सो कार्नोट साइकिल को ये चार प्रोसेस आपका दिमाग में छपा होना चाहिए, 1-2 में क्या होता है, टू कहने का मतलब है टर्बाइन प्लेस है। अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में 1-2 दिखा रहा हूँ, ऐसे नहीं कि बुक में आपको भी 1-2 शो करेगा, हो सकता है यहाँ 2-3 रहे, यहाँ 4-5 रहे, दैट मीन्स समझने का तरीका है आपको कि डायग्राम में क्या हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ 1-2 में टर्बाइन दिखा, हो सकता है बुक में 1-2 में बॉयलर दिखा रहे, ठीक है। सो ये सब कन्फ्यूज नहीं करना, आपको याद है कि 1-2 जो मैं शो कर रहा हूँ उसके बीच में कौन सा कंपोनेंट प्लेस्ड है मेरा और उसके बीच में क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास हम लोग पीबी एंड टीएस प्लॉट ड्रॉ करेंगे रैंकन साइकिल का, और याद रखना अगले चैप्टर का यहां पे कंप्लीट एप्लीकेशन आएगा प्योर सब्सटेंस का, यानी का मतलब स्टीम टेबल का कंप्लीट पूरा स्टीम टेबल का एप्लीकेशन इस चैप्टर में भरा हुआ है। ओके, तो आज मैं यहीं तक रहने देता हूँ, नेक्स्ट क्लास हम लोग रैंकिन साइकिल से स्टार्ट करेंगे पीवी एंड टीएस फ्लो डायग्राम से। अटेंडेंस आप लोग का गूगल क्लासरूम में ही होगा, ठीक है। आज का अटेंडेंस में एक काम करो, सीआर तो नहीं है, अच्छा आज का आया था, सब चले गया। आज का मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का अटेंडेंस गूगल क्लासरूम में, मैं गूगल क्लास जनरेट कर देता हूँ, इस सेमेस्टर का जनरेट नहीं है, नेक्स्ट क्लास से वहीं पे अटेंडेंस होगा। नोट्स भी दे दीजिएगा सर? हाँ वो मैं दे दूंगा, ठीक है। आज का मैं स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूँ।